किड्स, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, सब इंजॉय में हो। ठीक है, आज दिनांक है 8 सितंबर, और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है बताओ? आज है 8 सितंबर, 8 सितंबर को मनाया जाता है गोगा नवमी। आज के दिन गोगा नवमी है 2023 को। तो गोगा नवमी है, ये हिंदी महीनों में कब आती है? हिंदी महीनों में आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, तो आज का करंट स्टार्ट करें। सब लोग रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ऑप्शन बी गोगा नवमी, ऑप्शन सी राष्ट्रीय नौसेना से दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तक दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है, सब लोगों के दिमाग में गोगा नवमी आ रही होगी कि आज तो गोगा नवमी है। तो ये तो 8 सितंबर 2023 को मनाई गई है, लेकिन 8 सितंबर को मनाया कौन सा दिन जाता है? 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 2023 में 8 सितंबर को गोगा नवमी भी साथ में मनाई गई है, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर 8 सितंबर को मनाया जाता है। और ये अपना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव। ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, और ये हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता है ये तो। और इसे यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को सम्मेलन के 14वें सत्र में घोषित किया गया। मतलब यूनेस्को सम्मेलन हो रहा था, उसमें यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को सम्मेलन के 14वें सत्र में घोषित किया गया। ये तो यूनेस्को द्वारा किया गया है। अब इसकी शुरुआत कब हुई, पहला साक्षरता दिवस कब मनाया गया? पहला साक्षरता दिवस आपका 1967 में मनाया गया। ठीक है, पहला साक्षरता दिवस। पहला साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 में मनाया गया। ठीक है, अब बताओ इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, ये किस वजह से मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका सभी व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता महत्व को उजागर करना। सभी व्यक्तियों, समुदायों, सभी व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना। ठीक है, ये तो है इसका उद्देश्य। और अब पता लग गया सबको, हर साल ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इसकी स्टार्टिंग, इसकी शुरुआत 1967 को हुई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में एशियाई जंगली कुत्ते ढोल की IUCN स्थिति क्या है? इसका ऑप्शन ए है नियर प्रेजेंट, बी है वल्नरेबल, डी है सी है इजेंटेड, डी है क्रिटिकली इजेंटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इट इजेंट। अब ये है क्या चीज, ICUN स्थिति, मतलब एशियाई जंगली कुत्ते क्या चीज है, ढोल क्या है? देखो, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में ग्रामीणों ने एशियाई जंगली कुत्ते को देखा, तो उनके समूह को उन्होंने क्या कहा कि ये ढोल है, यानी ICUN है ये।
ठीक है, ये चीज़ बताई गई। और इनके बारे में, ये जो जंगली कुत्ते हैं इनकी हाइट कितनी होती है, यानी इनकी लंबाई कितनी होती है, इनकी लंबाई होती है 76 से 100 फुट होती है, ठीक है, 76 से 100 सेमी। और इनका वज़न कितना होता है, वज़न होता है इनका 14 से 21 किलोग्राम, ठीक है, इतना इनका वज़न होता है। चलो अब इनके बारे में अपन थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। देखो, कर्नाटक के शिवमोगा जिले के ग्रामीणों ने एशियाई जंगली कुत्ते काश का एक समूह देखा। देखो, एक समूह देखा था एशियाई कुत्तों का, जंगली कुत्तों का एक समूह देखा उन लोगों ने, तो जिसे डोल के नाम से जाना जाता है, उन लोगों ने उनका नाम डोल दिया, ठीक है, डोल नाम दे दिया उनका। तो यह एक जंगली केनिड है जो मध्य दक्षिण और पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये भी एक प्रकार की जाति है जो कहाँ पाई जाती है, दक्षिण और, मतलब ये जो कुत्ते हैं वो दक्षिण और पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। और इनकी लंबाई 26 से 100 सेमी तथा वजन 14 से 21 किलो है। इनकी आईसीयून स्थिति लुप्त प्राय या इंटेजेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा दीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया मंच, ऑप्शन बी है डिजिटल भुगतान के लिए एक पहल, ऑप्शन सी ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा, और डी है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक पहल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्ञान साझा करने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। देखो ये क्या चीज़ है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय PAL को दीक्षा प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने की योजना बना रहा है। अब देखो PAL क्या है, उसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, ठीक है। इसके बाद इनमें एक चीज़ का और जिक्र हुआ है, दीक्षा। अब दीक्षा क्या है, दीक्षा की फुल फॉर्म देखो, दीक्षा की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, ये है दीक्षा की फुल फॉर्म। इसके बाद में अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या काम है इसका, ये स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, ठीक है, जो स्कूल की जो शिक्षा होती है उनके लिए एक राष्ट्रीय मंच का कार्य करता है। और जो शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रपति शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण यानी NCERT परिषद की पहल है, NCERT की ये पहल है, ठीक है। इनका कार्य है, यह ऑनलाइन तथा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से स्कूलों के लिए ई सामग्री उपलब्ध करवाना, ठीक है। ये जो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये क्या करता है, स्कूलों के लिए सामग्री उपलब्ध करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा निशिमुरा क्या है। ऑप्शन ए है मिसाइल रोधी टैंक, या कोविड का नया वेरियंट है, या फिर एक धूमकेतु है, या भारतीय नौसेना का युद्ध पोत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा यह एक धूमकेतु है। देखो कोविड का नया वेरिएंट तो अपन ने कल देखा था, कौन सा था, पिरोला। कोविड का नया वेरिएंट तो पिरोला था, और यह तो क्या है, निशिमुरा एक धूमकेतु है। यानी धूमकेतु क्या होता है, एक तरीके का पिंड होता है, या तारा बोल सकते हैं इसको, ब्रह्मांड में एक तरीके से पिंड होता है, तारा होता है। और चलो अब इसके बारे में अपन चर्चा ही कर लेते हैं, क्या चीज है ये। देखो निशिमुरा धूमकेतु, ये क्या है, इसका नाम जापानी खगोल फोटोग्राफर दिदेओ निशिमुरा के नाम पर पड़ा, ठीक है। ये जापानी खगोल फोटोग्राफर था, उनका नाम क्या था, दिदेओ निशिमुरा, उनके नाम पर इस धूमकेतु का मतलब नाम पड़ा है। अब अगर कोई भी ब्रह्मांड में कोई चीज़ खोजता है, चाहे वो पिंड हो, या फिर वो कोई तारा हो, या फिर कोई किसी भी प्रकार की चीज़ हो सकती है, तो जो भी खोजता है वो नाम उसी के ऊपर होता है। तो अब किसने खोजी थी, दिदेओ निशिमुरा ने खोजी थी, तो इसके नाम पे निशिमुरा धूमकेतु हो गया, ठीक है। अब इसकी खोज देखो अभी की गई है अगस्त में ही 2023 में, 11 अगस्त 2023 को, देखो इसकी खोज की गई है 11 अगस्त 2023 को, लॉन्ग एक्सपोजर तस्वीरें खींचते समय खोज की थी, मतलब फोटोएं खींची जा रही थी उस समय उनके सामने ये क्या धूमकेतु, ये निशिमुरा धूमकेतु दिखाई दिया। तो उसके बाद इस पे रिसर्च किया और फिर पता चला इसके बारे में जानकारी, तो इसलिए क्या इनको 11 अगस्त 2023 को खोज की गई। अब ये है क्या चीज़ धूमकेतु, ये है क्या चीज़, इसके बारे में पता लगाते हैं
ये धूमकेतु एक बर्फीला पिंड है, यानी एक तरीके से बर्फ का ही पिंड है, बर्फीला पिंड है जिसमें धूल, बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा मीथेन है। कितनी चीज़ों का समूह है, धूल है उसमें, बर्फ है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है और इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या बना है, धूमकेतु बना है। और यह 12 सितंबर 2023 को पृथ्वी के सबसे निकट आएगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी 12 सितंबर 2023, यानी आज 8 तारीख है और 2-3 दिन बाद में 12 तारीख आएगी, उसमें आप इस तारे को, इस धूमकेतु को आसानी से देख सकते हो। तो सब लोग ध्यान से देखना रात को, ठीक है, रात को दिखाई देगा ये। अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया या किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी गाजियाबाद, सी है ग्वालियर, डी है गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका गाजियाबाद। अब ये जो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन है, गाजियाबाद में भी कहाँ होगा, कितनी तारीख को किया जाएगा, ये अपना किया गया, मतलब किया जाएगा 25 से 26 सितंबर। अभी दिनांक आएगी ना 25 से 26 सितंबर, उस समय किया जाएगा, और वो भी कहाँ किया जाएगा, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पे, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। यहाँ पर क्या किया जाए, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया जाएगा। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। 25 से 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो एक तो भारतीय वायुसेना है और एक ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसका आयोजन कर रहे हैं, इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। अभी है, हाल ही में किस देश ने अपना मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है रूस, बी है जापान, सी है इजराइल, डी है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका देखो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जापान, ठीक है। जापान है वो अभी स्लिम लॉन्च किया है मिशन, मून मिशन स्लिम लॉन्च किया है। और ये बताओ पहले तो, अगर ये जापान का मिशन मून वाला, जैसे अपना इंडिया का चंद्रयान 3 था, ये सक्सेसफुल हुआ है, उसी तरीके से इनका जो मिशन है मून मिशन स्लिम, अगर वो सक्सेस हो जाता है तो ये कौन सा स्थान पे, मतलब विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त करेगा, कौन से स्थान पर ये, मतलब ये कौन से स्थान पर, ये चांद पर जाने वाला देश है वो बन जाएगा। तो बताओ कौन सा बन जाएगा। देखो अपना 3-4 देश है वो लोग चांद पे जा चुके हैं, तो अगर इसका मिशन सफल होता है तो ये पांचवा देश बनेगा, पांचवा, ठीक है। और पहला कौन है, पहला रसिया, दूसरा बना है यूएसए, तीसरा है चाइना और चौथा है इंडिया, ठीक है, भारत। तो ये पांचवा देश बन जाएगा। बट अभी तो ये चीज़ उस पर डिपेंड करती है, वो जब उसका जो टारगेट है, उसका वो टारगेट कंप्लीट होगा, वो वहाँ पे जाके उसकी लैंडिंग अच्छे से सफलफुल लैंडिंग होगी, तभी वो जाकर पांचवा देश बनेगा, ठीक है। अभी इस स्लिम के बारे में थोड़ी बातें करते हैं अपन। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, ये जाक्सा ने लॉन्च किया है, और जाक्सा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। और रॉकेट कौन सा था, H2A, अभी H2A रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है, और इसका लैंडर है वो कौन है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून स्लिम, ठीक है, ये इसके लैंडर का नाम है। और अपने वाले लैंडर का क्या नाम था, अपने वाले लैंडर का नाम मुझे कमेंट करके बताना, अपने वाला जो चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च हुआ है था, उसका लैंडर का नाम क्या था, ठीक है। अब देखो लैंडर का वजन है वो 200 किलो है,
और यह इस एजेंसी द्वारा चांद पर उतरने का पहला मिशन है। मतलब ये जो जाक्सा एजेंसी है ये पहला इसका मिशन है चांद पर उतरने का, ठीक है। और इस मिशन में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हुए हैं और इसे 4 से 6 माह लग सकते हैं। और यदि जापान का यह मिशन सफल होता है तो जापान चांद पर जाने वाला या उतरने वाला 5वां देश बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? ये किसने किया है, ठीक है। और अभी अभी अपन ने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था UPI है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो कितना था, वो 10 बिलियन अरब से भी पार कर दिया था उसने आंकड़ा अगस्त माह में। तो UPI तो है वो सबसे अगस्त माह में 10 बिलियन को पार किया था, ठीक है। इसको भी इसने पार किया था। तो सबसे हाई ट्रांजेक्शन UPI से होता है, सबसे ज़्यादा जो पैसे ट्रांसफ़र UPI से किए जाते हैं और देश की हर जनता UPI से मतलब ट्रांजेक्शन करना पसंद करती है। और UPI है, अब उसके बारे में बताओ कि UPI ATM लॉन्च किसने किया है? वो आपका ऑप्शन ए VISA या फिर मास्टर कार्ड या हिटेची या फिर रुपए, किसने किया है? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हिटेची ने है वो ATM लॉन्च किया है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, हिटेची ने NPCI के साथ मिलकर वाइट लेबल ATM WLA के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च किया है। अब पहले तो ये चीज़ देखो, वाइट लेबल ATM क्या होता है? मतलब वाइट लेबल ATM का मतलब होता है कि इनके पास ATM नहीं उपलब्ध होता। ये जो कंपनी होती है एक तरीके से, जो वीजा ये मतलब हिचकी है, इसने हिटेची है, इसने क्या बनाया था, इसने अभी UPI ATM लॉन्च किया है, लेकिन ये खुद इनके पास ATM अवेलेबल नहीं होता। ये एक तरीके से कंपनी का काम करती है, जैसे कंपनी किसी चीज़ को प्रोवाइड करवाती है, बनाते हैं उस तरीके से, जैसे ATM होता है। ATM खुद बैंक थोड़ी ना बनाती है, उसको भी कोई कंपनी है जो बना के उनको बैंक वालों को देती है, बैंक नहीं बनाती। तो उसी तरीके से ये है जो हिटेची है, इसने NPCI के साथ मिलकर वाइट लेबल ATM बनाया है, पर ये खुद ट्रांजेक्शन का काम नहीं करती। इसके पास ATM या बैंक उपलब्ध नहीं है, इसने बनाया है, ठीक है, काम तो बैंकों में ही होगा। तो इसको क्या बोला जाता है फिर, वाइट लेबल ATM, ठीक है, लॉन्च किया गया। अब देखो, इसमें ग्राहक आसानी से UPI के माध्यम से ATM से केस निकाल सकता है, यानी वो अपनी UPI ID लगाकर वहाँ से अपना केस निकाल सकता है। जैसे अपन ATM में जाते हैं, वहाँ कार्ड डालते हैं, उसके बाद अपन वो केस निकालते हैं, लेकिन वहाँ अपन UPI कोड यानी कोड लगाकर या फिर अपन स्कैन करके डायरेक्ट केस निकाल सकते हैं, ठीक है। और यह डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। डिजिटलीकरण मतलब अब थोड़े दिनों में क्या होगा, ये केस वगैरह लेना देना बंद हो जाएगा, ओनली सारा काम डिजिटल होगा, यानी ऑनलाइन होगा। अभी भी हो रहा है, सब लोग देख रहे हो, धीरे धीरे अपना देश है वो प्रगति पे है, वो डिजिटल कार्य में अवेलेबल हो रहा है। ये जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो सारी बंद होती जा रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो सारा डिजिटल हो रहा है। तो डिजिटलीकरण को क्या है, ये बढ़ावा है। इस ATM का सर्वप्रथम इस्तेमाल मुंबई में किया गया, मतलब मुंबई में किया गया है इसका इस्तेमाल। इसके बाद धीरे धीरे ये सब देशों में, सब राज्यों में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI ने किस नाम से अपना सुपर प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है SBI गोल्ड, बी है फोरम, ओरम और प्रीमियम, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओरम। ओरम क्या चीज़ है? ये जो कार्ड जो अवेलेबल करवाया गया है, सुपर प्रीमियम कार्ड जो अवेलेबल कराया गया है, वो धनी लोगों के लिए, जो रिच लोग होते हैं, जो ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो मतलब लगभग 2 लाख रुपए तक का वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं अपने कार्ड के माध्यम से। अपना कार्ड यूज़ करके वो लगभग 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। तो रिच मैन होते हैं उनके पास तो 2 लाख 3 लाख 10 लाख सब कुछ कम ही होता है। अपन जैसे लोग होते हैं वो 1,000 2,000 10,000 15,000 इतने रुपए निकालते वही काफ़ी होते हैं। तो उनकी तो जो काउंटिंग 1,000 की जगह 2 लाख 3 लाख में चलती है, ठीक है। तो उनके लिए है ये,
देखो यह कार्ड बैंक के उन ग्राहकों को दिया जाता है जो बहुत ही धनी होंगे, ठीक है। इस कार्ड के द्वारा कार्ड धारक अपने खर्च के आधार पर 2 लाख सालाना 2 लाख रुपए तक का लाभ ले सकता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं था समझने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयागराज में पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है सवेरा योजना, बी है उजाला योजना, सी है उदय योजना, डी है उज्ज्वल योजना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सवेरा योजना। अभी फिलहाल में प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना प्रारंभ की है, ठीक है। इस योजना के बारे में पढ़ते हैं अपन। देखो इस योजना का उद्देश्य प्रयागराज जोन के भीतर 7 जिलों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और अन्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करना है। यानी इस योजना के तहत प्रयागराज जोन में जो भी 7 जिले आते हैं उनके लिए वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, मतलब बड़े नागरिक यानी बूढ़े नागरिकों में आ जाए, जो 50 साल के एज को पार कर चुके हैं 50-60 की, ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों में, और उनकी स्थितियों, उनको सेवाएं प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य आपात संबंधी जो भी स्थितियां हैं उनको सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत प्रयागराज पुलिस 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों का एक व्यापक रिकॉर्ड बना सकती है। वरिष्ठ क्या होता है? 60 से अधिक एज का जो व्यक्ति होता है वो वरिष्ठ होता है। तो इससे पुलिस को क्या फायदा होगा? इससे पुलिस को ये फायदा होगा कि वो व्यापक रिकॉर्ड बना सकती है, यानी 60 वर्ष से कितने अधिक लोग हैं उनका एक तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्यों? उनको सेवाएं प्रदान करेगी, उनको सहायता, उनकी सहायता करेगी, तो इससे उनको पता होगा उनकी संख्याएं कितनी है, तो इससे एक रिकॉर्ड बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने वाली किस एजेंसी या सुरक्षा बल के निदेशक अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया है? तो ऑप्शन है CRPF या SPG या BSF या CISF। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, SPG। अब देखो SPG क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। SPG है अपना स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या मतलब, ये जो SPG पद पे जो कौन रहे थे, निदेशक अरुण कुमार सिंह हैं, ये पहले क्या थे, ये 1987 ईस्वी में अरुण कुमार सिंह हैं 1987 के बीच में आईपीएस अधिकारी रहे हैं। और SPG का कार्य क्या होता है? SPG का कार्य होता है प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा बल प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये इनका कार्य है। ठीक है, अब हाल ही में दूर संचार विभाग DOT के महासचिव कौन थे? यानी हाल ही में जो दूर संचार विभाग DOT है उनके सचिव कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए है उमंग नरूला, ऑप्शन बी है नीरज मित्तल, और ऑप्शन सी है वीएल कांथाराव, और ऑप्शन डी है विवेक भारद्वाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका नीरज मित्तल। नीरज मित्तल है वो दूर संचार विभाग के सचिव बने हैं। अब अपन बात कर लेते हैं ये उमंग नरूला ये किसके सचिव बने थे? ये संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव, किसके? संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव, ठीक है, इनके सचिव तो बने हैं उमंग नरूला। और वीएल कांथाराव ये अपन ने पढ़ा था ये किसके सचिव थे? खान मंत्रालय के सचिव थे।
ये है खान मंत्रालय। और तीसरे है विवेक भारद्वाज। विवेक भारद्वाज किसके है? पंचायती राज मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी। पंचायती राज मंत्रालय के विशेष कार्य अधिकारी या कर्तव्य अधिकारी की बात है, कर्तव्य अधिकारी। ठीक है, ठीक है। और नीरज मित्तल है वो दूर संचार विभाग के हैं। ठीक है, चलो थोड़ी चर्चा करते हैं इनके बारे में। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीरज मित्तल को डीओटी के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। डीओटी यानी दूर संचार विभाग। ठीक है, और ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं, अधिकारी हैं। ये 1992 जो बैच का था उसमें आईएएस अधिकारी पद पर भी ये रह चुके हैं। कौन? नीरज मित्तल। ठीक है, और वीर कांता राव, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ये खान मंत्रालय के सचिव है। उमक नरूला ये संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव है। और विवेक भारद्वाज है वो पंचायती राज मंत्रालय के विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करते हैं करंट में। तो सब लोगों को अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक जुड़े रहे जीडी कैंपस पे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। क्लास को शेयर कर दीजिए।